नगर पालिका कर्मचारी संघ से जुड़े कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर इंद्री नपा परिसर के गेट के सामने धरना देकर नारेबाजी की। सरकार की वायदा खिलाफी के विरोध में नगर पालिका परिसर में नगर पालिका के सफाई कर्मचारी और अग्निशमक कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए। कर्मचारी नेता बुद्धराम ने कहा कि नगर पालिका कर्मचारी संघ के 24 मई को हुए समझौते को सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया, जिसे समय रहते सरकार द्वारा लागू किया जाना चाहिए। धरने पर बैठे कर्मचारी ने मांग की है कि कच्चे कर्मचारियों को 18,000 रुपए न्यूनतम वेतन दिया जाए। उन्होंने कहा कि समझौते के परिपत्र को आज 15 महीने बीत जाने के बाद भी जारी नहीं किया गया, जिस कारण हरियाणा के तमाम पालिकाओं और अग्निशमन विभाग के तमाम कर्मचारियों में रोष है। हाँ जी, आज हमारे हड़ताल का दूसरा दिन है जी। नगर पालिका सारी स्टेट का हड़ताल है। मांगे हमारी वही पुरानी है, पहले भी सरकार ने स्टेट के प्रधानों को बुलाया था बातचीत करने के लिए, लेकिन सरकार ने कोई मांग पूरी नहीं की। हमारी मांगे नहीं पूरी करने की उससे ये 3 दिन की जो हड़ताल है 27, 28, 29 की, अगर इसी दौरान भी सरकार कोई बातचीत करती है, बुलाती है तो ठीक है, नहीं तो आगे भी हड़ताल आंदोलन जारी रहेगा। और मांगे भी हमारी यही है, ठेका पर्दा बंद करो, कच्चे कर्मचारियों ने पक्का करो, पंजाब के समान वेतन करो, काम समान वेतन, वेतन समान काम, ऐसी ग्रेसिया लागू करो। यही हमारी मांगे हैं कर्मचारियों की, जो सरकार जो है ना मान नहीं रही है बिल्कुल भी। अगर सरकार का यही रवैया रहा तो आगे भी यही आंदोलन जारी रहेगा। आज न्यूज़ के लिए इंद्री से ब्यूरो रिपोर्ट। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।